दोस्तों पायल मलिक का हो गया है रो रो कर बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन का दिन है। वहीं दीपक चौरसिया ने एक बात कही कि चलो आज हम बैठकर सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि कौन कहां से आया है और किसकी क्या लाइफ स्टोरी है। जहां सब अपनी अपनी लाइफ स्टोरी कह देते हैं, तो वहीं जब पायल की बारी आती है तो पायल फूट फूट कर रोने लगती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पायल अपने अरमान मलिक और कृतिका मलिक के बारे में बताती है कि आखिर कैसे कृतिका मलिक और अरमान मलिक मिले और इन दोनों की शादी हुई, और जब इन दोनों की शादी हुई तो इनके ऊपर क्या बीती, इन्हें कैसा महसूस हुआ। वो कहती है कि काश मैंने अपने पति अरमान को अपनी फ्रेंड कृतिका से मिलाया ही नहीं होता, तो शायद आज मैं ऐसा दिन नहीं देखती। बोलते बोलते ये सब पायल रोने लगती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पुराने दिनों को और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगती है, जिसके बाद घर के सभी लोग पायल को चुप कराने लगते हैं। जहाँ साफ साफ दिखाई देता है कि घर के सभी लोग पायल को हमदर्दी जता रहे हैं। जहाँ पायल अपने पुराने दिनों को याद करके रो रही है, तो वहीं घर के सभी लोग इस समय पायल को चुप करा रहे हैं। वेल दोस्तों, पायल की फ्रेंड कृतिका ने पायल के साथ सही किया है या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।